करने वाली हूँ मेरे ब्यूटी सीक्रेट्स और मेरे कुछ रिचुअल्स जो मैं बचपन से कर रही हूँ। ये मेरे माँ ने मुझे सिखाया था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था। इतना सब केमिकल यूज करने के बाद मैं चाहती थी मैं कुछ नेचुरल यूज करूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। कॉफी तमन्ना भाटिया की ये रेमेडी मैं फॉलो कर रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ। चंदन, फर्स्ट इंग्रेडिएंट है कॉफी, सेकंड है सैंडलवुड पाउडर, थर्ड इंग्रेडिएंट है हनी। तमन्ना भाटिया अपनी फ्लॉलेस स्किन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। जो उन्होंने रेमेडी शेयर की मैंने उसको फॉलो किया और मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूँ। ये तीन चीजें हम मिक्स करते हैं। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सैंडलवुड पाउडर, संदल पाउडर पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा। इससे पहले भी मैं आप लोगों को इसकी रेमेडी शेयर कर चुकी हूँ। ये आपकी ग्लोइंग स्किन, एंटी एजिंग का काम करता है, एक्ने कंट्रोल करता है, टैन रिमूव करता है, स्किन ग्लोई करता है। शहद आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, हाइड्रेट करेगा। एंड देन जस्ट स्क्रब ऑफ दिस। I think मैं अंदर की ये बाल अच्छे होंगे, so definitely आप इधर आ जाएंगे। Okay, मुझे लगता है कि ये स्क्रब हो गया है। 10 मिनट के बाद मैं इसे निकाल दूँगी। अच्छा जी, अब हम ये प्रॉपरली अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। जब मैंने तमन्ना भाटिया की ये रेमेडी देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि तमन्ना भाटिया अपनी फ्लॉलेस स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग यहाँ पे ये नहीं देखें कि उनकी स्किन वाइट है तो ये वाइट करेगा। हमेशा जो भी आपका कलर है, जो भी आपकी स्किन टोन है, उसको इवन होना ज़रूरी है, उसका नॉर्मल होना ज़रूरी है और वो अपने आप में परफेक्ट लगे, अपने आप में उसका टेक्सचर ठीक हो, वो स्मूथ हो, शाइन करे, ग्लो करे, आप लाइटन होगा, ब्राइटन होगा। लेकिन आप लोग ये चीज़ को ना कंपैरिजन में लेके आए कभी भी कि बहुत ज़्यादा वाइट हो जाएगा। आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपका अपना कलर साफ हो गया, आपकी स्किन टोन इवन हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं मैं 2 से 3 वीक हो गया फॉलो करते हुए, बहुत ही अच्छी ग्लो आना शुरू हो गया। 10 मिनट्स के बाद फेस वॉश करना है। आप इसको करते रहेंगे, आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट होगी, क्लियर होगी, इवन टोन होगी। और आप लोग जो चाहते हैं हमेशा कि आपका जो भी कलर हो वो अच्छा लगे, वो इवन लगे और बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट एंड लगे, पेल ना लगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। करीब से देख रही थी, शाइन कर रही है तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ग्लो करते हुए। अल्लाह हाफिज़। माय स्किन सो मच मोर सॉफ्टर।